Hello everyone, today I will show you how I wash my hair without any shampoo since 3 years. ये वीडियो काफी रिक्वेस्टेड थी, इसलिए आज मैं शेयर करूंगी मेरा हेयर केयर रूटीन इन 2019। और अगर आपको लगा था कि ये वीडियो छोटे छोटे कपड़ों में होगी तो आपका पोपट हो गया है, कि ये मैं मेरे फुल्ली कवर्ड स्विम सूट में बनाने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप है अच्छा म्यूजिक लगाना। फिर हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यही है वो इंग्रेडिएंट जो मैं शैम्पू के बदले यूज करते हुए आ रही हूँ पिछले 3 साल से। तो अगर आप एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा लेते हो तो आपको 20 से 25 चम्मच पानी लेना पड़ेगा। अभी जब मैं रोज मेरे बाल धोती हूँ मुझे चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अंदाजा आ जाता है क्योंकि 3 साल से कर रही हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इसको अप्लाई करोगे तो ये रेशियो जरूर याद रखना कि एक चम्मच सोडा के लिए 20 चम्मच पानी। अगर आपका बेकिंग सोडा फिर भी नहीं मिक्स हुआ अच्छे से तो और पानी डालते जाना धीरे धीरे और उसको मिक्स करते जाना जब तक कि वो एकदम पतला सा मिक्सचर ना हो जाए। एंड देन स्कैल्प को गीला करना है। ये मिक्सचर सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कैल्प में लगेगा। एक बार स्कैल्प पूरा गीला हो जाए फिर मैं मेरे सर को पीछे की तरफ बेंड करती हूँ और फिर हमारे मिक्सचर को एकदम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देती हूँ पूरे के पूरे स्कैल्प में। सर को पीछे मोड़ने से क्या फायदा होता है कि ये हमारे आंखों में नहीं घुसता, पर टेंशन मत लेना, अगर आंख में चले भी जाए तो इतना इरिटेशन नहीं होता। सारा मिक्सचर लगाने के बाद एकदम अच्छे से मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में जाना और छोटे छोटे स्टेप्स भी लेना। अपना मग जरूर चेक करना क्योंकि यूजुअली थोड़ा सा बेकिंग सोडा रह ही जाता है एंड में, तो उसमें वापस से थोड़ा पानी डाल लेना और मिक्स करके यूज कर लेना, क्योंकि हम बिल्कुल भी वेस्टेज में नहीं मानते। बस कुल मिला के 1 मिनट ही मसाज करना है एंड उसके बाद धो देना है। एज सिंपल इज दैट। इसमें आपको नयापन ये लगेगा कि इसमें फोम नहीं होता, इसमें झाग नहीं बनता, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने को स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पर स्कैल्प एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है। अब बेकिंग सोडा निकालने के बाद बालों में से एक्सेस पानी निकाल देना है, स्क्वीज कर देना है। एंड मैं कंडीशनर के बदले हेयर मास्क यूज करती हूँ। मेरा करंट फेवरेट हेयर मास्क है ये वाला जो एक्टे से है। यार इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था ना तब भी से आई वॉज ब्लोन विद द रिजल्ट्स। बस थोड़ा सा पाम में लेना है, उसको मिक्स करना है, इमल्सिफाई करना अच्छे से एंड लगा देना अपने लेंस पे। मेरे बाल यूजुअली फ्रिजी होते हैं मिड सेक्शन में और टिप सेक्शन पे, तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा वहां लगाती हूँ। छोटे सेक्शंस में भी जरूर लगाना ताकि अंदर तक बालों को नरिशमेंट मिलेगा और जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है उसको ऊपर के सेक्शन में सब हल्के हल्के से लगा लेती हूँ। एंड इसे रखना है 10 मिनट के लिए, तो ये 10 मिनट मैं मेरे फेवरेट सॉन्ग्स गाने में यूज करती हूँ, उसके लिरिक्स भूल जाने में करती हूँ एंड आइडियली जब मैंने स्विम सूट नहीं पहना होता तब मैं बॉडी वॉश के लिए यूज करती हूँ। दस मिनट बाद बस सिर्फ पानी से इसको धो देना है एंड वी आर डन। बेकिंग सोडा एकदम सस्ता मिलता है, कुछ 6 या 8 रुपए का 100 ग्राम मिलता है और 100 ग्राम आराम से महीना दो महीना चल जाता है। एंड जहाँ तक हेयर मास्क की बात है ये भी सुपर अफोर्डेबल है, काफी टाइम चलेगा, मेन एंड वुमेन दोनों को चलेगा, तो आप पूरे फैमिली में इसको शेयर करके यूज कर सकते हो। इसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड बस टॉवल बांध के निकल गए हम
ये हेल्दी रूल्स हेयर मास्क के मेन इंग्रेडिएंट्स तो है जिंजर एंड अनियन, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए, बट इसमें जो आमला, विटामिन ई और शिकाकाई है ना, इससे मेरे बाल जो स्मूथ होता है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर, एंड में एकदम डिटेल वाला आएगा, उस वजह से इट एक्चुअली हेल्प्स मी इन ग्रोइंग माई हेयर, क्योंकि मुझे बार बार बाल काटने नहीं पड़ते क्योंकि स्प्लिट एंड्स नहीं हो जाते। मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा जो पुराना वाला नेचुरल हेयर कंडीशनर था वो था एप्पल साइडर विनेगर, बट उसने धीरे धीरे मेरे बालों का कलर छीनने लगा, मतलब मेरे बाल लाइट होते गए एंड आई वॉज अफ्रेड कि एक बार तो मेरे बाल ग्रे ही ना हो जाए, इसलिए शिफ्टेड टू अ हेयर मास्क एंड आई विल डेफिनेटली बाय इट अगेन एज सून एज दिस प्रोडक्ट गेट्स ओवर। ऑनेस्टली मैंने ये नो पोइंग मूवमेंट देखा था एडेल, एक बहुत ही फेमस सिंगर के कोई यूट्यूब वीडियो में, एंड तब से मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मेरे बालों की क्वालिटी जो इम्प्रूव हुई है ना ये हेयर रूटीन करके, कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये रूटीन मिला। और बस यही था मेरा हेयर केयर रूटीन। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड अगर आपको ये देखने में मज़ा आया तो दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।